मेरे चाचा भी हैं बिहार में, हमने तो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, और वो तो डीएनए का गाली सुनते रहे। अब डीएनए ठीक हो गया, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। उन्होंने क्या कहा कि संघ मुक्त भारत बनाने की बात करूंगा। आखिर वो भी तो ओबीसी हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे अभिभावक हैं, और हमारे तो पिता ने संस्कार में सिखाया कि बड़ों का सम्मान करो, इज्जत करो। हम करते हैं, लेकिन आप बताइए कि बार बार धोखा देंगे, अपने सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में अपने विचारों का सौदा करेंगे, आरएसएस और बीजेपी के सामने घुटना टेकने का काम करेंगे, तो उसका विरोध ना किया जाए। मैं मानता हूं कि भले ही हमारे अपने लोग हैं, लेकिन अपने लोग बनकर के मीठी मीठी बातें करके अगर पीठ पे छुरा भोंकने का काम करें, तो वो उससे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोगों को ऐसे व्यक्तियों का चिन्हित कर करके इसका विरोध करना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए। और जहां बहुसंख्यक लोग इकट्ठे हैं, जिसकी जितनी संख्या है, तो कौन इसके आगे टिकने का काम करेगा। इसलिए हमारे चाचा तो पहले समर्थन कर दिए, फिर शर्माते शर्माते जब बहुजनों का जब दबाव आने लगा, तो शर्माते शर्माते हमारे लाइन पर बोलने लगे कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए जनसंख्या के आधार पर, जो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, जो जातीय तौर पे जो जनगणना हुई थी, जो कि विश्व की सबसे महंगी जनगणना थी, सर्वे था, उसके हिसाब से उस रिपोर्ट को जारी करना चाहिए। आखिर पता चले कि गरीब व्यक्ति कौन है, कौन जात का गरीब है। 51% दिहाड़ी मजदूर है तो वो कौन जात के हैं, भीख मांगने वाले हैं तो कौन जात के हैं, रिक्शा ठेला चलाने वाले हैं तो कौन जात के हैं, भूमिहीन है तो कौन जात के हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपको तो सार्वजनिक करना पड़ेगा, कोई बेस होना चाहिए। अभी मंडल कमीशन का जिक्र आया कि भाई पिछड़ों के रिजर्वेशन के लिए देयर वाज अ बेस, पूरा कमीशन बैठाया गया। और मैं बता दूं, जो पिछड़ों को जो भी आरक्षण मिला, जो कि 27% है, उसमें से भी 10% अभी जो है पूरी तरीके से भरा नहीं गया। अभी तो हमारी लड़ाई चल रही थी, लेकिन हम लोगों को जो 52% आरक्षण का जो प्रावधान किया है, इमीडिएटली उसको तो देना ही चाहिए। और एससी एसटी और ओबीसी के जितने लोग हैं, जो रिपोर्ट में मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट हुआ वो 1931 के सेंसस के बदौलत हुआ। आप सोचिए 1931 में ओबीसी और दलित की क्या आबादी होगी। आज 2018-19 है, आज ये आबादी बढ़कर के कितना ज्यादा हो गया है। तो उस नए सर्वे भी होने चाहिए, नए कास्ट सेंसस भी होना चाहिए, चाहे ब्राह्मणों का हो, अपर कास्ट का हो, बैकवर्ड्स का हो, दलित का हो, एसटी का हो, सबका होना चाहिए। और जगदेव बाबूजी ने जो नारा लगाने का काम किया था, कर्पूरी ठाकुर जी ने जो नारा लगाने का काम किया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, उस पर हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। जगदेव बाबूजी ने कहा था कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाने का काम करेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगी। लेकिन आज जो व्यवस्था जो हम लोग देखने का काम कर रहे हैं, आपके संविधान पे, आपके अधिकारों पे आपको फिर से पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है, आपकी हकमारी की जा रही है। जितना बनता है वो तो दे ही नहीं रहे, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी मिला है उसको भी छीनना चाहते हैं और फिर से वो व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। और हम लोग सब लोग यहां ठंडे बैठे हुए। लालू जी ने आज तक अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया, उसी का परिणाम है कि आज वो जेल में है, उन्होंने समझौता नहीं किया। अगर लालू जी इन मनुवादियों से समझौता कर लेते तो राजा हरिश्चंद्र के रूप में नवाजे जाने का काम करते। आज हम लोगों पे मुकदमा हुआ, मेरे भाई पे मुकदमा हुआ, मेरी मां पे मुकदमा हुआ, मेरे 7 बहन है, 7 बहनों पे मुकदमा हुआ, मेरे 7 बहनें तो 7 जीजा हैं, 7 जीजाजी पे भी मुकदमा हुआ, मेरे बहनों के 7 ससुरों पे भी मुकदमा हुआ, ये भी नहीं उनके 7 ससुर के रिश्तेदारों पे भी मुकदमा हुआ। लेकिन वो लोग सोचते थे कि लालू जी को जेल भेजेंगे तो डर जाएंगे, लेकिन लालू जी डरे नहीं, तो उनको लगा यार ये तो आदमी डरा नहीं, तो इनके परिवार की पे मुकदमा करो, हो सकता है परिवार के डर से ये समझौता करें या तो झुकने का काम करें। लेकिन
उन्होंने फिर भी झुकने का काम नहीं किया, हम लोग भी नहीं डरने का काम किए। हम जानते हैं हमारे पिता शेर हैं, मुझे उन पे गर्व है और उनका खून, उनका मैं आप सब लोगों को वचन देता हूं। मनोज झा जी ने पहले जिक्र किया कि चाहे एक सीट आए ना आए, हम वोट की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन अपने विचार भारत से समझौता नहीं करेंगे, हम संघर्ष करने का काम करेंगे। और आप देखिए कि बात की गई गरीबी की, अरे हम अपर कास्ट के विरोध भी नहीं है, ठीक है अपर कास्ट में भी गरीब होते हैं, मानते हैं, लेकिन आरक्षण जो है ये आमदनी बढ़ाओ योजना तो है नहीं, इससे आमदनी तो बढ़ाई नहीं जा सकती। ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात थी, जो वन व्यवस्था कायम थी, छुआछूत थी। आप बताइए कि कभी सुने कोई ब्राह्मण का लड़का जो है घोड़ी पे उसको नहीं चढ़ने दिया गया? हम तो यही देखते हैं ना कि भाई दलित के बच्चे को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, बारात नहीं निकालने दिया गया। और अगर दलित में अगर आर्थिक रूप से जो मजबूत लोग हैं, क्या आप उनको ब्राह्मण मानोगे? नहीं मानोगे। मांझी जी जितना, मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए एक मंदिर चले गए दरभंगा में, वापस आने के बाद पूरे मंदिर की शुद्धिकरण की गई, ये स्थिति बनी हुई है। तो अखिलेश जी जो भी लोग, कई लोग हैं ऐसे, और अभी भी ऐसे इतने मंदिर है जहां दलितों का प्रवेश करने से बंच और थॉट्स में देख लीजिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है कि ये जो आरएसएस के जो बाबा है गोवलकर, उन्होंने किताब में लिखा कि अगर दलित या दलित का कोई नेता काशी विश्वनाथ मंदिर में जाता है तो स्वर्ण जातियों का गुस्सा होना जायज है, उनको मार के भगाना पड़ेगा। ये है उनकी विचारधारा। और हम क्या चाहते हैं, हम लोग क्या कब तक देखते रहे कि ये बंच ऑफ थॉट्स हमारे संविधान के जगह पे आ जाए? तो इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सब लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, एकजुट होकर के एक बड़ी आंदोलन करने की जरूरत है। और जब तक इन लोगों को मजा नहीं चखाया जाएगा, आप लोग समझ जाइए, जब तक इन लोग सबक नहीं सीखेंगे तब तक ये लोग बार बार अपना प्रयास नहीं छोड़ेंगे। ये लगातार कुछ ना कुछ नई नई जुमलेबाजी करके नया नया डाइवर्ट कर देंगे, इश्यू तुरंत डाइवर्ट कर देंगे। तब चुनाव आता है तो उनको राम जी याद आ जाते हैं, राम मंदिर याद आ जाता है। गिरिराज सिंह जी बोलते हैं कि हम लोगों को बोलते हैं, हम लोग इंसानियत के पक्ष में बोलते हैं, भाईचारा के पक्ष में बोलते हैं, पीस की बात करते हैं, तो बोलते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे गिरिराज सिंह का देश का ये, उनके पिता उनके बाप का देश है क्या जो हम लोगों को पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे? ये लोग जो लोग का कोई देश के आजादी में कोई कुर्बानी नहीं रहा, जिन्होंने अंग्रेजों की चमचाई करने का काम किया, आज वही लोग जो है हम लोगों को देश से बाहर करने की बात कर रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये लोग आएंगे फिर नया जुमला लेकर के, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। मेरा मानना है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट से तभी हो पाएगा जब आप इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन देने का काम करोगे। उसलिए इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, उसके भी हम लोगों को लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और ज्यादा कुछ हम कहना नहीं चाहते, लेकिन आप देखिए 66,666 रुपए महीना कमाने वाला जो 8 लाख सालाना जो है, उसको है जो कि रिजर्वेशन दे दिया गया। हम लोगों की मांग रही कि निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC जितने भी गरीब लोग हैं या जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जिनको मेन स्ट्रीम में लाना है, आप उनको आप रिजर्वेशन दो। जहां पब्लिक सेक्टर में आप देखिएगा रिप्रेजेंटेशन कैसा है, कहीं ना के बराबर है। जितने भी संस्थाने हैं या जो भी हैं पब्लिक कंपनीज हैं, उसी प्रकार के लोग हैं, कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। लेकिन इस वाले जो नियम जो इन्होंने लाने का काम किया, आरक्षण देने का काम किया है, फर्स्ट टाइम पब्लिक सेक्टर में भी, यूनिवर्सिटीजों में भी इन्होंने स्वर्णों को आरक्षण देने का काम किया है, 10% आरक्षण देने का काम किया। लेकिन हम लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला। और हम लोग का यही है कि पूरी तरीके से सर्वे हो और उसी आधार पे नया कास्ट सेंसस के आधार पर जिसका जितना हिस्सेदारी बनता है उसको उतना देना चाहिए। और जो मंडल कमीशन में जो ओबीसी के लिए जो है, वो तो कम से कम अभी तुरंत दे ही देना चाहिए, लागू कर देना चाहिए। और जो कट जो अभी 13 पॉइंट की जो बात है रोस्टर का, हम लोग मांग करते हैं सरकार से, आग्रह करते हैं,
हाथ जोड़ करके कि अभी आप लोग ऑर्डिनेंस ला करके इसको तुरंत खत्म कराने का काम करिए। हम लोग पार्लियामेंट में हैं, इसमें मनोज झा जी, हम लोग सब लोग जो हैं लगातार बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और भी जितनी भी लाइट माइंडेड पार्टीज हैं, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि उन लोगों को भी अपने साथ ला करके इस मुहिम में जोड़ने का काम करें और इस आंदोलन को हम लोग जो है बल देने का काम करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बाकी सारी बातें आ गई हैं, लेकिन जितने भी आप लोग यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप लोगों को जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, आज भी जरूरत पड़ी तो एक फोन पे हम आप लोगों के पास आ गए। अगर बहुजनों के लिए गोली भी खानी पड़े तो हम उसमें पीछे नहीं हटने का काम करेंगे, सबसे आगे रहने का काम करेंगे। इसलिए वो 7 पॉइंट रेजोल्यूशन है, उसको हम लोग पास कराने का काम करेंगे। इसलिए सारी बात जो है आप सब लोगों के बीच आ गई है, और आप सब लोगों को पुनः एक बार दिल से धन्यवाद देते हैं। ईवीएम पे हम लोग बात कर रहे हैं लगातार, और ईवीएम की जहां तक बात है, हमारी पहली ऐसी पार्टी है जो जीतने के बाद भी हम लोगों ने डिमांड करने का काम किया कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैक टू बैलेट होना चाहिए। और इस पे लगातार मनोज झा जी जो है इलेक्शन कमीशन में भी जा करके अपनी पक्ष को मजबूती के साथ रखने का काम करते हैं। लेकिन हम लोग जो चीज जितना कुछ करते हैं, आज भी जितनी बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम लोगों का खबर जाते जाते छटनी हो जाता है, तो बहुत जगह ये बात आ नहीं पाती है भी। तो इसलिए मीडिया के लोग हैं बेचारे, कैमरामैन हैं, कुछ रिपोर्टर हैं, ये तो अपना जॉब कर रहे हैं, लेकिन वहां जो इनके मालिक जो बैठे हैं, जो एडिटर जो बैठे हैं, सब एडिटरों के मालिक हैं अमित शाह, वही से सारा न्यूज चलता है आता है। और माफ कीजिएगा, हमको जो सूचना है कि इनकी कटनी और छटनी अगर कोई गलती से अगर सच दिखा दे तो तुरंत पीएमओ से फोन आ जाता है। तो बेचारे ठीक है, गरीब है, नौकरी कर रहे हैं, अब बेचारे अब करने दीजिए, कैमरा लेकर के घूम रहे हैं, नहीं तो पकौड़ा बेचना पड़ेगा पकौड़ा। लेकिन हम पूछना चाह रहे, पकौड़ा बेचने में मोदी जी का क्या योगदान रहा? क्या मोदी जी के आने से पहले कोई पकौड़ा नहीं बेचता था क्या? ठीक है, पकौड़ा बेचने वाले को भी सम्मान है, घर में कोई भूखा मर रहा तो हम तो पकौड़ा बेच के भी कमा लेंगे, लेकिन मोदी जी कम से कम 15 लाख रुपए का बोनी करा देते, कम से कम हम लोग ठेला लगा लेंगे जो बेरोजगार लोग हैं, सामग्री खरीद लेंगे, जमीन की व्यवस्था हो जाएगी। और जो गरीब आप जिनको बोल रहे हो, अगर आर्थिक रूप से करना था तो आप अपना वादा ही पूरा कर देते, हर एक के खाता में आप 15-15 लाख रुपए दे देते, सब अमीर हो जाते, सब अपना रोजगार ढूंढ लेते, अपना व्यवस्था खुद कर लेते, रोजगार की व्यवस्था करा देते, लेकिन वो तो आप काम नहीं कराओगे, लेकिन दूसरों के हकदारी मानने का काम करोगे। और मेरा मानना है कि ये लोग सबसे बड़े जातिवादी हैं, या तो अपने आप को सबसे ज्यादा बड़ा आरक्षण का ठेकेदार और अधिकारी समझने का काम करते हैं, या तो हम मान लें कि जो पिछड़ा और दलित का बच्चा है वो अपना आरक्षण उनको जो मेरिट के बल पे जो उनको मिलना था उनको छांटने की एक साजिश हो रही है। आज जो लोग मेरिट की बात करने वाले लोग जो पहले बात करते थे, जो हम लोगों को बोलते थे भीख है भीख है, आज क्या हुआ? आज सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, आज उनको भीख पसंद आ रही है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम लोगों ने बिहार में कर्पूरी जयंती के दिन हम लोगों ने आंदोलन करने का काम किया है, और आंदोलन का नाम रखा है बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ आंदोलन, जिसको हम पूरे बिहार में उसको मूवमेंट के रूप में हम लोग चलाने का काम करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।